पान मसाले का ये विवाद शायद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई स्टार्स इसकी लपेट में आ ही जाता है। अभी कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार ने पान मसाले के विज्ञापन को प्रमोट किया था, जिसके बाद फैंस ने उनको सोशल मीडिया पर खूब खड़ी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद ये मुद्दा बढ़ता ही गया और आखिर में अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों से माफी मांगी थी और पान मसाले के ब्रांड से अपना हाथ पीछे कर लिया था। और साथ ही साथ अक्षय ने कहा था कि इस ब्रांड से मिले पैसे वह डोनेट कर देंगे। इतने बवाल के बावजूद अब फिर से ये मुद्दा तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब बिहार के सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना हाशमी ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, रणवीर सिंह के खिलाफ बिहार के कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया है। चार स्टार्स के ऊपर 467, 468, 439, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। पिछले कई सालों से अमिताभ बच्चन भी तंबाकू के ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक साल पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की समझदारी समझा था और इसके बारे में जानकारी देते हुए एक स्टेटमेंट भी जारी की थी, लेकिन फिर भी ये विवाद उनका पीछा अब तक नहीं छोड़ रहा है और उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। तमन्ना हाशमी ने केस दर्ज करते हुए कहा है कि ये चारों स्टार्स अपने पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। इस तरह ये उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी वजह से तमन्ना ने चारों स्टार्स पर केस दर्ज किया है। माना जा रहा है कि इस केस की सुनवाई 27 मई को होगी, तो अब देखते हैं कि इस सुनवाई का क्या नतीजा निकलता है और इन चारों स्टार्स को अब इस विवाद से राहत मिलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।